हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक व्रत में खाए जाने वाला प्रोटीन और फाइबर से भरपूर कुट्टू की खिचड़ी यानी बकव्हीट खिचड़ी। ये बहुत ही हेल्दी होता है, खास तौर से वुमेंस के लिए। 30+ वुमेंस को तो ये लेना ही चाहिए हफ्ते में 2 बार या 1 बार। ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन और फाइबर में। इसके दाने भी देखिए बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होते हैं, गेहूं से भी ये सॉफ्ट होते हैं। और ऐसे अगर सूखा भी इसको अगर मुंह में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसको हल्का सा भूनकर भी खा सकते हैं तो खिचड़ी या दलिया कुछ भी इसकी बना सकते हैं। और इसकी इसका खीर भी बनता है। अगर मीठा पसंद हो तो आप मीठे के रूप में इसको खाइए, लेकिन तरह तरह के मिलेट हमको लाइफ स्टाइल में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सिर्फ हर चीज़ में सिर्फ केमिकल ही आ रहा है। तो ऐसे होल व्हीट ग्रेन यूज़ करने से हमें, मतलब कि हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि मतलब हम शुद्ध और अच्छी चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुट्टू के दाने लिए हैं और इसको मैंने धुल लिया है अच्छे से। और इसमें 1 मुट्ठी मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दाने आप बढ़ा भी सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, या आपको अच्छा लगता हो तो। तो इसको हम रात भर भिगाने के बाद भी ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भिगाया नहीं था तो मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। और ये जल्दी बॉयल हो जाता है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाता है, मैंने थोड़ा कम डाला था। तो 1.5 कप पानी डाल दीजिए 1 कप में। तो 1.5 कप पानी डाल के आप 2 सीटी लगा दीजिए, ये जल्दी बॉयल हो जाता है, बहुत समय नहीं लगता है। और फिर एक पैन में, क्योंकि मैं इसको व्रत की तरह बना रही हूँ, और नॉर्मल भी आप जैसे सब्जियाँ जैसे नॉर्मल खाने के लिए भी आप जो दलिया बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको व्रत की तरह बना रही हूँ। तो इसमें मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ, देसी घी है, घर का बना घी। और फिर इसमें आप 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए, इसका तड़का लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। और अदरक और मिर्च को क्रश करके कूट कर या काट कर या इसका पेस्ट आप इसमें डाल लीजिए। लहसुन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, अदरक मिर्च का पेस्ट आप इसमें डाल लीजिए। और जो भी वेजीज आप खाना चाहते हैं, मैंने इसमें गाजर डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें गाजर और 1 टमाटर इसको डालकर अच्छे से भून लिया है। तो अच्छे से इसको जैसे भून लीजिए जब तक ये गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा करी पत्ता मैं डालूँगी। करी पत्ता डालकर इसमें भी हल्का सा भून लीजिए। अब कुट्टू को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको डायरेक्ट हम इसमें डाल दीजिए। देखिए जब हम इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पानी पूरी तरह से सूख गया है और ये तो बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है। लेकिन ये जैसे साबुदाना होता है, जैसे आप तेल में डालते हो ये अलग अलग सा हो जाता है, सेम इसी तरह जब आप इसमें आप डालोगे इस तो बिल्कुल ये अलग अलग दाने दाने हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक डालने से थोड़ा सा अच्छा सा स्वाद आएगा। नमक आप खाना चाहते हो तो नमक डाल लीजिए। तो सेंधा नमक मैंने इसमें डाला है क्योंकि ये अच्छे से ऑलरेडी पक चुका है मेरा कुट्टू, क्योंकि इसको मैंने बॉईल कर रखा था। तो और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम आंच तक पर लगातार चलाते रहिए। और ये बस कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। और हरी धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिए और इसे एंजॉय करिए और ज़रूर से इसे अपनी लाइफ में यूज़ करिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर वुमेंस जो है कि हेल्दी डाइट लें, और फाइबर प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम तरह तरह के पिल्स खाते हैं, इससे अच्छा कि हम अलग अलग तरह की मिलेट की रोटियाँ, ज्वार बाजरा या फिर इन सब की दलिया बनाकर अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करें तो हमें ओमेगा 3 प्रोटीन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको दही के साथ खाइए। दही के साथ ये, जैसे कि आप दही और रोटी और ये सब खाते हैं तो आप दही के साथ इसको खाइएगा, दही चावल की तरह जैसे आप खाते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इसे दही के साथ खाती हूँ। और ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आप व्रत में खाते हैं इसमें मिला के आप खा लीजिए। और देखिए दही के साथ ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जैसे चावल और दही खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप दही के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।